दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये कल वाला जो आगे का ब्लॉग था, जो मिनी पावागढ़ वाला, वही ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि हम एक जगह पर जाने वाले हैं, तो उस जगह का नाम है मिनी अमरनाथ। तो बहुत ही बढ़िया जगह है वहाँ। यहाँ पर 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की शिवलिंग्स रखी है, तो वो आपको दिखाएंगे अंदर जाके और क्या क्या यहाँ पर है देखते हैं। अभी तो बहुत धूप है, तो थोड़ा गन्ने का जूस वगैरह पीते हैं और आपको आगे का बताते हैं कि अब यहाँ से कैसे जाना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने गन्ने का जूस पिया है, तो बहुत ही बढ़िया था, एकदम नेचुरल। तो ये भाई यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पर आओगे, पार्किंग लगाओगे, सीधा यहाँ पर आओगे, सीधा आपको ये भैया मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया जूस था आपका, चलो थैंक यू। और यहाँ पर आपको चल के जाना है तो चल के भी जा सकते हैं, और ऑप्शन है यहाँ पर टैक्सी सुविधा है। तो ये मेरे पीछे देखिए, तो 30 रुपये है जाने का। तो यहाँ से एक इको गाड़ी रहेगी जो यहाँ मेरे पीछे है खड़ी, इसमें आपको अमरनाथ धाम तक पहुँचा देगी। पर हम तो चल के जाएंगे क्योंकि यहाँ के रास्ते का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है। मैं एक बार यहाँ पर आ चुका हूँ बहुत टाइम पहले, पर अब तो बहुत ही चेंज हो गया है, तब इतना कुछ यहाँ पर ऐसा था नहीं। तो यहाँ पर आओ तो शाम के टाइम पर आना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तो अभी हम आई थिंक कितने 4 बजे है ना। हाँ अभी तो 4 बजे है, तो थोड़ा धूप वगैरह है, तो धूप लगती है। तो इस तरह से पूरा रास्ता है पहाड़ों के बीच में, जैसे ऐसा लगेगा। तो ये पहाड़ जैसा ही है, उसको काट के पूरा रास्ता बनाया, बट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपका पर्सनल व्हीकल नहीं जाने देंगे, इनका ही जो व्हीकल है टैक्सी, उसको लेके जा सकते हो। और शाम के टाइम पे आओगे तो ये सारे, जब आप चौपड़ी जैसी देख रहे हो, तो ये पूरे छोटे छोटे स्टॉल है, तो यहाँ पर आपको खाने पीने का मिल जाएगा आराम से बहुत कुछ। तो इस तरह से रहेगा पूरा, ये देखिए। और हमें जाना है ऊपर की ओर, अभी ये ढलान है, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की ओर, वहाँ पर अमरनाथ धाम है। और ये देखिए, इतने में थक गई है उसको चलना नहीं है, वो ढलान है तो अपने आप चले जा रही है। ये देखिए बहन, अभी यहाँ पर वो ककम्बर बेच रही है, ककम्बर और आम है, बादाम है और स्वीट्स वगैरह ये कुछ है, गोलियाँ। ठीक है, तो आपको खाना है तो ले सकते हो। तो यहाँ पर जो रखा हुआ है महाप्रसाद मंदिर परिसर मार्ग से, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अमरनाथ धाम तरफ जाने का रास्ता, गुजराती में लिखा हुआ, पर मैं बता देता हूँ हिंदी में। तो ये सारे स्टॉल से बीच में आते हैं, तो आपको खरीदना है तो खरीद सकते हैं, मालाएं है, मीठी है, वो सब कुछ। तो मैं तो बोलूँगा दोस्तों, आप चल के ही जाए, क्योंकि हार्डली 500 मीटर है, मतलब कि आधा किलोमीटर जैसा है ये एरिया। 500 मीटर चल के आपको जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा और यहाँ देखने लायक भी बहुत कुछ है। हाँ, और रास्ते में आपको ये मार्केट जैसा बीच में आएगा, तो आपको देखने को मिलेगा, और कुछ ख़रीदना हो तो आप ख़रीद भी सकते हो, तो ये अच्छा रहेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चल के जाए अगर आप चल सकते हो तो। ये देखिए सभी, ये छोटी छोटी स्टॉल आ रही है, आगे भी बहुत सारी स्टॉल्स है। बच्चों के लिए टॉयज वगैरह, किचन से सब कुछ, छोटा छोटा चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
डमरू भी मिल जाएगा। तो सही है, तो आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ। जोरदार पर ना विलेज हो तो आवेगी सीढ़ी चढ़ाई जाए ना सीढ़ी। तो दोस्तों ये सीढ़ी अब आई है चढ़ने के लिए, तो इतनी सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। आसान है सीढ़ी, बहुत वो मोटी सीढ़िया वगैरह यहाँ पे सही लगेगा आप चल रहे हो आराम से। सही है, तो सीढ़ियाँ चलते हैं। तो लो जी दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं एकदम नज़दीक अमरनाथ धाम के गुफा की ओर। तो ये पूरा आर्टिफिशियल गुफा बना रखा हुआ है, तो आप देख ही पा रहे होंगे, तो पूरा गेट जैसा है लगता है, बट एक्चुअल में वो गुफा बनाने का कोशिश किया है, वो भी आर्टिफिशियल तरीके से। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते हैं, तो आप देखेंगे थोड़ा दूर से देखेंगे तो वाइट कलर का आपको कुछ दिखेगा, तो वो है शिवलिंग, जो अमरनाथ धाम में जो वाइट कलर का शिवलिंग है उसका रेप्लिका बनाया हो, उसको पास पे जाकर भी आपको दिखाते हैं। तो पहले आप यहाँ का थोड़ा सा एरिया का ओवरव्यू ले लीजिए। तो इस प्रकार से आसपास थोड़ी बहुत ग्रीनरी वगैरह है, और धूप भी वह कड़ाकेदार है, पर ग्रीनरी से वजह से अच्छा लगता है। बट और ये देखिए आप, अमरनाथ धाम का जो महत्व है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पूरा आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये देखिए वहाँ पर कुछ प्रार्थना घर वगैरह कुछ लगा हुआ, यहाँ पर शेड वगैरह है, जब भी ज़्यादा लोग यहाँ पर होते होंगे तो दोपहर के टाइम पर इस शेड में आप खड़े रह सकते हो और शिव जी का दर्शन कर सकते हो। तो सुविधा बहुत बढ़िया कर रखी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है इसे जो हमने दिखा है यहाँ तक अब तक। तो ये देखिए थोड़ा सा क्लोज़र व्यू दिख रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है त्रिशूल वगैरह है और शिवलिंग है अमरनाथ बाबा जी की, हमारे महादेव की। और यहाँ पर जो काउंटर है, तो वहाँ पर आपको सबको फूल वगैरह और प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जूते वगैरह निकालते हैं और जाते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर इस तरह से पूरे बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं, पर गुजराती में है। तो ये प्रार्थना हॉल है, अभी जो ये गुफा जैसा है उसको प्रार्थना हॉल बोलते हैं। तो अभी हम जाते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप दर्शन कर लीजिए महादेव जी के, जो अमरनाथ धाम में जो शिवलिंग है उसका जो यहाँ पर बना रखा है बहुत ही बढ़िया है। और जो वहाँ पर जा नहीं सकते तो यहाँ पर आकर वो अपना इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, जो अमरनाथ धाम में होता है उस तरह से। बट उसका जो मेन जगह है वो तो अलग ही आपको फील रहेगा, बट यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा बना रखा है और बहुत ही बढ़िया माहौल है भैया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पर दर्शन करके हम अंदर की ओर जाएंगे।
दोस्तों, ये जो मूर्ति है तो ये एक्चुअल जो इस धाम को बनाने के जो मेहनत की है, जो स्थापना करी है, तो ये वो गुरु महाराज है। तो ये यहाँ पर उनकी भी प्रतिमा रखी हुई है। तो अभी यहाँ से मेन पार्ट शुरू होता है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उसका सब यहाँ पर हूबहू रेप्लिका बना रखी है। तो यहाँ पर आप 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो एंटर होते ही गणेश जी के दर्शन हमने किए, तो ये देखिए। और इस तरफ हम देखेंगे तो हमारे हनुमान जी है, उनको भी हमने दर्शन किए। और ये रही हमारी प्रथम ज्योतिर्लिंग, जो कि है सोमनाथ महादेव जी की। तो इस प्रकार से बना रखी है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए श्री सोमनाथ महादेव। अभी हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये पूरा माहौल बहुत ही बढ़िया है, बच्चों को यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा गुफा जैसा फील आता है यहाँ पर, कि हम गुफा में से जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आपको मज़ा आएगा और आप महादेव जी के दर्शन भी करेंगे। तो ये है श्री मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है, उसकी शिवलिंग है। तो इस प्रकार से बनाई रखी है। तो यहाँ से आपको झुक के थोड़ा चलना पड़ेगा इस प्रकार से, देखिए ये। ठीक है दोस्तों, तो पूरा फील आएगा आपके गुफा के अंदर है ऐसा। तो ये देखिए महाकालेश्वर महाराज की ज्योतिर्लिंग, तो इस प्रकार से बना रखी है हमारे महाकालेश्वर महादेव की। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो पूरा रास्ता ऐसा ही रहेगा इस तरह से ही, बहुत ही बढ़िया प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये है ओमकारेश्वर महादेव जी का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा टास्क है, आपको झुक के चलना पड़ेगा। और ये थोड़ा लंबा रास्ता है थोड़ा सा, इस प्रकार से देखिए। तो बच्चों को तो डेफिनेटली यहाँ पर मज़ा आएगा, तो यहाँ पर ज़रूर आइए बच्चों को लेकर। तो ये है वैद्यनाथ, श्री वैद्यनाथ महादेव जी का शिवलिंग है यहाँ पर। तो यहाँ से थोड़ा ये ऐसा थोड़ा बहुत एरिया है, यहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ से हम सीधा टर्न लेके अंदर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दो तीन रास्ते हैं, तो तीनों में से कोई भी रास्ते से आप जा सकते हो। और अंदर आप देख सकते हैं आराम कर रहा है भैया एक बहुत ही बढ़िया। तो हम तो भाई यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैमरा है। तो ये देखिए इस प्रकार से पूरा है। तो ये देखिए, ये शिवलिंग है भीमा शंकर महादेव जी का, ये पढ़ लीजिए, भीमा शंकर महादेव महाराष्ट्र में जो स्थित है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए भैया, रामेश्वर महादेव जी का ज्योतिर्लिंग, श्री रामेश्वर महादेव। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पूरा हिस्ट्री भी लिखा हुआ है, कहाँ पर है, और यहाँ उसका जो आरती कह सकते या मंत्र कह सकते, वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जुड़िया वुड़िया डाल रखी है, तो यहाँ पर कोई जा ना पाए, आई थिंक कुछ होगा। तो ये सामने एक और ज्योतिर्लिंग है, पढ़ते हैं कौन सा है। तो ये है श्री नागेश्वर महादेव जी, तो उनका ज्योतिर्लिंग इस प्रकार से है, दर्शन कर लीजिए आप भी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते ही राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में ही ज्योतिर्लिंग है। तो ये है श्री विश्वेश्वर महादेव, तो ये विश्वेश्वर महादेव है। तो यहाँ पर भी ये देखिए आराम फरमा रहे हैं महादेव के पास भी। तो
और पशु पशुनाथ भी कह सकते हैं, तो कोई उठाएगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये देखिए, अभी त्र्यंबकेश्वर महादेव जो महाराष्ट्र में स्थित है, छोटी छोटी तीन शिवलिंग है, इसलिए इसका नाम रखा त्र्यंबकेश्वर महादेव। इस प्रकार से उनकी भी रेप्लिका बना रखी हुई है। तो ये देखिए फिर से इस प्रकार से रास्ता बनाया हुआ है। केदारनाथ धाम, तो ये केदारनाथ धाम में जो शिवलिंग है उसका बनाया हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ से अब हम आगे जाते हैं, तो ये है दुश्मेश्वर महादेव, उनका शिवलिंग है। और आई थिंक 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आई थिंक हो चुके हैं। तो यहाँ से ये बाहर निकलने का रास्ता है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आप बताना कमेंट में। जो ये पूरा बना रखा है रेप्लिका और गुफा का, जो आर्टिफिशियल गुफा बना रखा है, आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो ये देखिए हमारे महादेव जी का जो पूरा स्टेच्यू वगैरह बना रखा है नंदी महाराज के साथ, बहुत ही बढ़िया प्रकार से ये मूर्ति बनाई रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो पास में ये कुछ वाटर पार्क जैसा है, प्ले हाउस जैसा, जो सामने की ओर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो मंदिर तरफ जाने का रास्ता है बोर्ड लगाया हुआ जो हम एंटर हुए थे। और यहाँ पर ये कुछ कैंटीन वगैरह है, तो यहाँ पर पानी वगैरह आपको थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सुविधा बहुत बढ़िया रखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फैमिली के साथ आओगे तो पिकनिक जैसा छोटा मोटा हो जाएगा। और ग्रीनरी है तो यहाँ पर वातावरण भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर मज़ा आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपने 12 के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए होंगे, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा। और जो अंदर बनाया हुआ है बहुत ही बढ़िया था। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, तो आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।